नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत किट बांटी। मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे डुमरियागंज तहसील पहुंचे, वहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलकर समस्या जानी और बाढ़ राहत किट वितरित की। फिर बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करते हुए जिले के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के उसका स्थित किसान इंटर कॉलेज पहुंचे और क्षेत्र के लोगों से मिलकर राहत किट बांटी। इस अवसर पर सीएम एवं उपस्थित सभी लोगों के पास पहुंचे और बाढ़ पीड़ित महिलाओं की गोद में बैठे बच्चों को अपनी गोद में लेकर बिस्किट खिलाते नजर आए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार दर्शकों के बाद ऐसी बाढ़ आई है, हमने पहले से काफ़ी बंधों आदि का निर्माण कर रखा था जिसे लोगों को लाभ मिला है। हमारी सरकार प्रत्येक बाढ़ पीड़ित की मदद के लिए तत्पर है, पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी अस्पतालों में दवाओं की पूर्ति की गई है जिससे बीमार लोगों को उपचार में किसी तरह की समस्या ना हो। पेश सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। इटवा, सोहरतगढ़, बांसी और नौगढ़, ये पांच तहसील वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील सर्वाधिक प्रभावित है। जनपद की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें सर्वाधिक डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील है। बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। बाढ़ बचाव के लिए